हेलो एंड वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है May 7th और है ट्यूसडे। मैं सुबह ही 5:30 उठ गई हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं पूरी दिन की रूटीन शेयर करूँगी एज ए मॉम एंड स्टूडेंट। और आज एग्ज़ाम भी है और क्या है ना, एग्ज़ाम के दिन ना थोड़ा सा ना जल्दी उठना होता है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए थोड़ा पहले भी जाना होता है कॉलेज, और साथ ही साथ ना काफ़ी सारे घर की भी काम होते हैं, वो सब करने होते हैं। थोड़ा सा मुझे रिवीजन करना है तो 5:30 ही उठ गई हूँ। तो मैं इस तरह का ही ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको ऐसा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्लॉग। तो अभी ना सुबह के 5:30 बज रहे थे, उठते के साथ ही मैंने ब्रश कर ली क्योंकि ब्रश करने के बाद थोड़ा फ्रेशनेस सी फील होती है और नींद भी चली जाती है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का ना वो ध्यान होता है ना, मैं ध्यान कर ली और उसके बाद ना अभी यहाँ पे बैठ के अपना सारा रिविज़न करूँगी। एक्चुअली मेरा रिविज़न बहुत दिन से चल ही रहा है बट आज एग्ज़ाम है तो मॉर्निंग में जो आप पढ़ो ना वो थोड़ा माइंड में फ्रेशनेस की तरह होते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग को स्टडी गाइड जो दिया हुआ था ना, स्टडी गाइड में थे ना, मुझे कुछ चीज़ें रिव्यू करनी है क्योंकि ना मुझे एग्ज़ाम जाने के पहले मुझे सारे कुछ को रिव्यू कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। जैसे कोडिंग एग्ज़ाम है तो कोडिंग के लिए भी जो स्टडी गाइड दिए गए थे सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट आइडिया लग जाता है कि ना चलो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो गए थे, 6:30 बज गए थे, फिर मैं सोची थोड़ा देर और पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद ना 7 बज गए थे तो मैं सोची चलो अब घर के काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो भी तो काम करके ही निकलना होगा। तो बस यहाँ पर मैं अभी अपना लैपटॉप ये सब बंद करके रख दी क्योंकि अब और नहीं पढ़ पाऊँगी, और बस जो भी ब्लाइंड्स है ना ब्लाइंड्स को ओपन कर दी। और रात को हम भी यहीं पे पढ़ती रहती है ना, तो रात को ऐसे ही चलता तो ठंडा लगता है तो वो ना ऐसा ब्लैंकेट के अंदर, छोटा सा ब्लैंकेट के अंदर बैठ के वो पढ़ती है। इवन खाने के समय भी उसको लगा लेती है तो वो ये सब करके रखती है। तो मैं सोची अभी फोल्ड कर ही देती हूँ ताकि ना ये थोड़ा साफ सुथरा सा लगे। और अभी फ्रंट डोर के भी जो ब्लाइंड्स है उसको भी ओपन कर दी। और यहाँ पे हम भी आपका जो लैपटॉप है डेली उसका चार्ज लगाना होता है, कभी कभी वो भूल जाती है तो फिर सुबह में क्रैंकी सी रहती है कि स्कूल में कैसे असाइनमेंट्स कंप्लीट करूँगी। तो बस उसका चार्ज में लगा दी थी तो उसका भी बैग मैं रेडी कर दी हूँ लैपटॉप। और अभी जो जितने भी रात को जो नाइट क्लीनिंग होती है ना, जो भी चीज़ें होती है उन सबको भी वापस से उनकी जगह पर रख देंगे। रात को रोटी बनाई थी तो वो चकला बेलन धो के रखी थी उसी तरह से था। और गैस कुकटॉप का जो ग्रेट्स होता है ना वो भी ना मैं रात को ना डिश वॉशर में ही डाल दी थी कि ना काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से साफ हो जाता है, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। और अभी चलिए थोड़ा टाइम है तो मैं सोची डिश वॉशर भी खाली कर लूँ। ये काम अगर हो जाए ना तो सिंक में बर्तन जमा नहीं होते मेरे लिए, तो ये अच्छा रहता है कि अगर खाली हो जाए ना तो साथ के साथ ही ना मैं बर्तन भी धोते धोते रखती जाती हूँ तो रात को उतना नहीं पड़ता है। तो भी चलिए सारे बर्तन को ना मैं धो लेती हूँ, सारे बर्तन को निकाल के मैं डिशवाशर से उनकी जगह पर रख देती हूँ, लंच बॉक्स निकाल लेती हूँ। अभी हम लोग सबको लंच बॉक्स भी मुझे पैक करके ले जाने हैं, तो अम्बी के लंच बॉक्स, हस्बैंड के लंच बॉक्स और मेरे लंच बॉक्स, हम तीनों के लंच बॉक्स में निकाल ली हूँ और बाकी के सारे बर्तन उनको उनकी जगह पे रख देते हैं। और सारे बर्तन को उनके जगह पे रख दी और ये जो कॉफ़ी मग है ना वो भी निकाल ली हूँ, कॉफ़ी इसमें देना है हस्बैंड को। लंच बॉक्स भी रख दी हूँ ताकि लंच बॉक्स रेडी हो जाए तो मैं बस उसको रखूँगी, मतलब पैक करूँगी। और अभी देखिए ये जो मेरे कुकम्बर, बीन्स, टमेटोज ये सब इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं ना, मैंने बीज से ही डाला था ये गेंदा फूल, इतना अच्छा से निकल के आया है। और बनाना के जो प्लांट है ये तो एकदम इतना अच्छा लग रहा है ना, तुलसी जी भी मेरी बड़ी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पीछे का ये एरिया ये देखिए, यहाँ पे हील जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार मॉर्निंग में आके ना थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए भी मैं आ जाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
बस मैं देखी प्लांट ये समय काफ़ी अच्छे थे, पानी थे क्योंकि रात को काफ़ी बारिश हुई तो पूरी मिट्टी प्लांट्स में अगर बारिश के पानी पर पड़ते हैं ना तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं, नेचुरल वाटर होता है वो। और बस आ गई हूँ अभी किचन में, मैं सोची क्या बनाऊँ तो रात में ही सबसे पूछ ली थी, सबको चाहिए था वेजिटेबल पनीर वाला राइस, तो मैं सोची अभी वही बना लेते हैं। तो कैरेट लाई हूँ, ये ऑर्गेनिक वाला है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैरेट निकाल ली हूँ, जो जो चीज़ें कट करनी है चॉपिंग करनी है तो वो सब फ्रिज से निकाल ली हूँ। बस कैरेट को और कुकम्बर को धो ली हूँ, क्योंकि इस वीक ना मैं ना मील प्रेप नहीं करके रख पाई क्योंकि ना मेरे बैक टू बैक एग्जाम चल रहे थे, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मील प्रेप करने जाओ तो 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बोली जिस दिन जो चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वैसे ही कर लूँगी, तो इसलिए अभी यहाँ पे मैंने कैरेट ये सब पील करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और क्योंकि ये कटा हुआ रहता है ना, इवन धोया हुआ और मेरे लिए ये इसके निकले हुए रहते हैं ना, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पनीर भी बना के रखी थी तो पनीर भी अभी निकाल ली हूँ, पनीर को भी छोटे छोटे चॉप कर लूँगी, अनियन एंड गार्लिक को भी चॉप कर ली हूँ। और बस ये चॉपिंग वाला काम डन हो जाए तो फिर मैं इसकी राइस बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे ग्रीन पीस भी निकाल ली हूँ, उसको पानी में डाल दी हूँ, तो सारी वेजिटेबल डाल के बनाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी बनेगा और बढ़िया सा होगा। तो उसके पहले मैंने सारी सब्जियाँ चॉपिंग करके रख दी थी, तब तक मैं सोची राइस निकाल के इसको वॉश करके थोड़ा पानी में सोख होने के लिए रख देती हूँ, जब तक मेरी सब्जियाँ फ्राई होगी मेरे राइस भी सोख हो जाएंगे। और बस राइस मैं धो ली हूँ और मैं सोची खाना बना रही हूँ तो ये एप्रन लगा पहन लेती हूँ। आम भी मेरे लिए मंगाई है, बोलती है हमेशा आप खाना बनाते हो इसमें, तो वो पहले एक बार ब्लैक वाला मंगाई थी, वो अच्छा नहीं था, तो वो अपने डैडी को बोल के ये वाला मंगवाई है, तो मैं बोली चलो ये वाला बढ़िया डिसेंट सा है, बस मैं उसको लगा ली हूँ। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना उसमें घी डाली हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला और उसके बाद गार्लिक डाली और उसको फ्राई की, उसके बाद मैंने यहाँ पे अनियन डाल दी हूँ, इसको भी फ्राई कर लेंगे। अनियन को थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर कैरेट और ग्रीन पीस जो है ना इसको डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, थोड़ा फ्राई होने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैं सोची कि ना ये कट कर लेती हूँ जो मुझे स्नैक्स के लिए फ्रूट्स और सैलेड चाहिए। तो यहाँ पे कुकम्बर मैं निकाल के रखी हूँ हमारे स्नैक्स बॉक्स के लिए, और कैरेट सॉरी एप्पल है, एप्पल को कट कर लेते हैं, 2 एप्पल हम तीनों के स्नैक्स के लिए काफ़ी होता है, तो चलिए ये सभी कट करके जल्दी से रख लेते हैं, साथ साथ ये कटता भी जाएगा सब, उधर सब्जी जो मेरी है वो पकती जाए बीच में, एक बार मैं इसको स्टर कर दूँगी और ये सब हमारे स्नैक्स भी कट के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, अभी मैं यहाँ पे पनीर डालूंगी, पनीर को भी थोड़ा सा अच्छी तरह से सॉटे करूंगी। जब तक हमारा पनीर सॉटे होगा सब्जियों के साथ में, तब तक मैं सोची थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए ये जो फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी, घर में सुबह में सब यही खाते हैं, तो मैं बस इसको धो के और पानी में रख दी हूँ, जब तक 1-2 घंटा में ये काफ़ी अच्छी तरह से पानी में ठीक हो जाएगा। और आलमंड्स मैं रखी थी सोख वोख करके और इसके स्किन निकाल ली हूँ, बाकी के सारे काम साथ ही साथ चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई हो गया था पनीर, तो मैं यहाँ पे थेजा मसाला डाली हूँ, थेजा मसाला डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सांभर मसाला और सॉल्ट डालूंगी, और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है इस तरह से राइस। और जो मैं सोख करके पानी के साथ जो राइस रखी थी वॉश करके पहले ही जितना राइस था उतना ही पानी डाली हूँ, और बस इसको कुछ भी नहीं करना, पानी डाल के कवर कर देंगे, बढ़िया सा हेल्दी सा राइस बन के रेडी हो जाता है और टेस्टी तो बहुत ही होता है। और अभी मैं जो स्नैक्स के कट करके रखी थी तो मैं अपना और हस्बैंड दोनों का मैं पैक कर देती हूँ, और आम्बिक के लिए मैंने एक बिस्किट डाल दिया है बिस्किट वाला पैकेट, बट हम लोग अपने स्नैक्स में थोड़ा सा कुकम्बर और एप्पल ले ली हूँ। तो ये हो गया हमारा स्नैक्स वाला भी रेडी, और साथ ही साथ ना अभी मैं क्या करूँगी, जो स्ट्रॉबेरी थे ना इसको मैं कट कर
लेती हूँ क्योंकि अभी अम्बी के लंच बॉक्स में भी पैक करूँगी और ब्रेकफास्ट में भी हस्बैंड खाएंगे, अम्बी भी खाएगी। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट का सारा काम भी रेडी हो गया और लंच बॉक्स का स्नैक्स बॉक्स भी रेडी हो गया है। बस इसके ढक्कन लगा देते हैं और सारा काम हो गया। ऑलमोस्ट धीरे धीरे सारे काम होते जा रहे हैं। और अभी ना मुझे जूस बनाने हैं, तो ऐसे अम्बी को ना ऐसे कैरेट मैं देती हूँ खाने के लिए, बट मैं जूस में भी कैरेट थोड़ा सा ये सब ऐड कर देती हूँ ना, तो अच्छा होता है। और जितना भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओ अच्छा होता है। और मैं थोड़ा सा जूस इसलिए बना लेती हूँ कि इंस्टेंट आपको ग्लूकोज एनर्जी मिल जाती है अगर आप एग्जॉस्टेड और टायर्ड हो तो, इसकी वजह से। और हम लोग जूस जो है ना चार औंस से कम ही पीते हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी ही हुआ। अगर आप 8 औंस 10 औंस जूस पीते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करता है डायबिटीज़ के। ये जूस बोलते हैं जूस जो होता अच्छा नहीं होता, जूस अच्छा होता है अगर कम क्वांटिटी में पियो तो। तो इसलिए मैं थोड़ा जूस भी बना लिया करती हूँ कभी कभी कि चलो अच्छा होगा, विटामिन सी की जो इनटेक है वो मिल जाती है आपको। तो बस मेरा यहाँ पर कैरेट और ये मेरा ऑरेंज के जूस में बना ली हूँ। एक बार इसको स्टर कर देते हैं ताकि दोनों जो जूस है ना बढ़िया से मिक्स हो जाए। और साथ ही साथ ये मेरा जूसर का जो ये है ना उसको निकाल के मैं धो ली हूँ, क्योंकि ना छोड़ दो तो वो सूख जाएगा और फिर बाद में क्लीन होने में बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी बस जूस को भी मैं ये डाल देती हूँ। ये 4 औंस का ही बॉटल है, काफ़ी अच्छे से हम तीनों का जूस हो जाता है। 4 ऑरेंजेस में और 2 कैरेट में डाली हूँ इसमें। और ये हो गया हमारा जूस और स्नैक्स बॉक्स रेडी। साथ ही साथ सारे बर्तन भी धोती जा रही थी और सारे काम हो गए हैं और ब्रेकफास्ट के भी रेडी हो गया है। मेरा राइस भी यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, बट ये बहुत गर्म है तो मैं अभी नहीं पैक करूँगी। तो मैं सोची अभी शावर लेने जाती हूँ, शावर लेके आऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं ना वो पैक करूँगी लंच बॉक्स। तो अभी मेरा पूजा का बर्तन बहुत सारा हो गया है, पूजा का बर्तन अभी धो लेती हूँ फिर पूजा करूँगी। और पूजा का बर्तन मैं धो ली, साथ ही साथ यहाँ पे से ना सूरज भगवान को मैं जल चढ़ा दूंगी। वैसे आज सूरज भगवान दिख नहीं रहे हैं, रात को इतनी बारिश हुई है ना तो पूरा बाहर है ना पूरा ग्रीन ग्रीन है, बट मैं फिर भी यहाँ से मैं अब बहुत अच्छा से सुबह में दिखते हैं सूरज भगवान, और उनको जल चढ़ाना मुझे ठीक लगता है उस जगह से। और बस मैं थोड़ा सा पीछे गई थी, वहाँ पे कुछ फूल थे तो वो भी मैं लेके आ गई हूँ और प्रसाद में थोड़ा सा चढ़ा दूंगी बस ऐसे ही। और उसके बाद ना दिया बत्ती जो है पूरे घर में दिखा देंगे, किचन में पैंट्री में, और फिर वापस से मेरा पूजा का काम जल्दी से हो गया, पूजा भी सुबह सुबह। और पूजा करने के बाद ना अम्बी को उठा दी थी, वो उठ गई है, तो उसके लिए दूध मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ और हस्बैंड के लिए भी गर्म पानी रख दी हूँ, क्योंकि वो दोनों उठ गए हैं। वो लोग सो रहे थे तो मैं उन्हें उतना हल्ला नहीं कर रही थी कि वो उठ जाए, क्योंकि मैं पढ़ रही थी सुबह से ही उठ के, तो इसलिए। और अभी यहाँ पे लंच बॉक्स जो है ना मैं पैक कर ली थी, राइस थोड़ा ठंडा हो गया था, तो बस अभी लंच बॉक्स अम्बी का मैं यहाँ पे पैक कर दूँगी, उसके लंच बैग में रख दूँगी। तब तक उसका दूध भी गर्म हो जाएगा, पानी भी मेरा हो जाएगा। और अम्बी का लंच बॉक्स उसका ब्रेकफास्ट भी रख दी हूँ। जनरली सुबह में ये ना बिस्किट और मिल्क और थोड़ा सा फ्रूट के साथ ही ये भी खाती है, उतना हैवी नहीं ब्रेकफास्ट करके जाती है। और हस्बैंड और अम्बी दोनों ओमकार कर रहे थे, तब तक मेरा सारा काम हो गया था। बस मैं अपना लैपटॉप चेक कर रही थी फुल चार्ज है या नहीं। जैसा कि मैं बताई थी कोडिंग एग्जाम में वहाँ पे आउटलेट नहीं होते हैं तो आप चार्ज नहीं कर सकते, इसकी वजह से आपको लैपटॉप पूरा चार्ज करके जाना पड़े ताकि ना वो 3 घंटे आराम से चले, इसलिए मैं चेक कर रही थी। बस बाकी के जितने भी मेरे चीज़ें हैं सारे को पैक कर लूँगी और मैं अपना वॉलेट अभी बाहर रख रही हूँ, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस रखने अम्बी को लेके जाना है
तो ड्राइविंग लाइसेंस इसमें ही है, तो इसकी वजह से, और बाकी सारी चीज़ें मैंने रख ली, खाना रख ली, जूस रख ली, लैपटॉप रख ली, चार्जर रख ली, और चाबी और वॉलेट साथ ही रखते हैं। अभी हम हस्बैंड अभी कर ही रहे हैं, अम्बिका हो गया है, बट मैं अम्बिका अभी चलती हूँ, इसको स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं आके बाकी का सारा काम करके फिर निकलूँगी कॉलेज के लिए। तो बस मैं अभी घर जा रही हूँ। और घर पहुंचते के बाद ही मैंने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना दी थी, चाय मैं चढ़ा के ही रख गई थी। तो बस हस्बैंड रेडी हो गए हैं, ये भी निकल जाएंगे और मैं निकल गई हूँ कॉलेज के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है May 7 और ट्यूसडे है, तो आज है लास्ट एग्जाम हूँ, तो जा रही हूँ एग्जाम देने के लिए। और आज के बाद तो और ऐसा कोई कॉलेज जाने आने वाला ब्लॉग नहीं होगा। और ये मेरा ना मई में इतनी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है ना, मुझे लगा एग्जाम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मैं रिलैक्स करूँगी, बट मई में बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, तो भी कैसे उठ जाएगा। और उसके बाद ना मेरा क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा समर का, और वो भी फास्ट पेस पे चलेगा, वो मतलब कि 8 वीक में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है क्या कि मैं सोची कि मई में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब होने वाली है। और अम्बी की एक फिल्मिंग भी है, वो भी रिकॉर्ड, वो भी मतलब ऑडिशन दी थी, उसका सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी जाना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर मैं सारे कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो मैं एकदम बिजी बिजी जाने वाला है, ऑलरेडी मई का 7th में ऑलरेडी चल रहा है, तो अमीन की थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, तो चलते हैं एग्जाम देके आते हैं, देखते हैं आज का एग्जाम कैसा होता है। भगवान कृपा से, भगवान अच्छा से जाए, सारी तैयारी है और बस अभी निकलते हैं। मैं लेट नहीं होना चाहती, ट्रेन ना छूट जाए बस उसके लिए, तो चलिए निकलते हैं और एग्जाम मेरा जैसा जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और बस मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पहले निकली हूँ, तो मुझे ना मेरे मैथ के एग्ज़ाम में फिर से, मैं लास्ट सेमेस्टर लास्ट वीक ना मेरा छूट गया था ट्रेन, तो मुझे 20 मिनट लेट एग्ज़ाम में पहुँची थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया था। तो बस मैं आज मैं 20 मिनट पहले पहुँची, तो अभी ट्रेन आ गया है, बस मैं अभी ट्रेन में चढ़ती हूँ। 10 मिनट का ही राइड है, मुझे 4 ही स्टेशन राइड करने होते हैं, बाकी तो मैं ड्राइव करके जाती हूँ। बस मैं पहुंच गई हूं कॉलेज कैंपस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एग्ज़ाम वीक में, पूरा कैंपस खाली होता है, सारे एग्ज़ाम एक साथ नहीं होते हैं, तो किसी किसी बिल्डिंग में होता है, तो आप मोस्टली देखोगे कैंपस जो है ना थोड़ा खाली खाली सा दिखता है। तो बस मैं यहां से भी पहुंच गई हूं अपने क्लास रूम में जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम होगा, तो मैं एग्ज़ाम उग्ज़ाम दे के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और बस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो मैं जब आ रही थी तो देखी थी ट्रक से वो सारे फ्लावर हैंग कर रहे थे, ये जो प्लांटर्स हैं, तो आते वक्त मैं देखी वो लोग हैंग करके चले भी गए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, सभी जगह वो लोग लगा दिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और है ये कैफेटेरिया डाइनिंग वाला बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। वापस से मैं अभी चल रही हूँ ट्रेन लेने के लिए, ट्रेन समय पे था, आज ना छूटा ना कुछ हुआ, बस अभी ट्रेन में बैठ गई हूँ, तो अभी पहुँच भी गई स्टेशन और ट्रेन निकल गई। और मैं वापस से अपने कार में, तो सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे के बस में फटाफट से निकल गई कि चलो कार में ही बैठ के मैं खाना खाऊँगी। हाय एवरीवन, मेरी खुशी से आपको पता चल ही गया होगा, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मल्टीपल चॉइस में थोड़ा 2-3 नंबर कम हुआ, मतलब कि गलत हो गया, बट कोडिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो लास्ट एग्ज़ाम था, सेमेस्टर ख़त्म, मैं बहुत खुश हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिलेगा, जो भी घर के काम होंगे, जो भी चीज़ें चल रही है वही होगा, बट लेकिन हाँ थोड़े दिन के लिए रिलैक्स होगा। और उसके बाद ना सुबह से ना मैं खाई ही नहीं हूँ, तो अभी बस यहाँ पे मैं
कार में ही खा लेती हूँ, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। और अभी बज गया है 1:30 बज गया है तो घर जाते जाते 2:30 बज जाएगा, तो मुझे भूख लगा है तो अभी ही खा लेती हूँ। तो बस कॉलेज पहुँची तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो मतलब 2.5 घंटे का एग्ज़ाम था दोनों मिला के, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। अभी सोची कि घर में खा लेते, तो चलिए अभी खा लेते हैं पहले। तो ये देखिए मेरा स्नैक्स भी रखा हुआ, मैं जाते जाते कार में खा लूँगी। अभी राइस खा लेती हूँ, थोड़ा जूस पी लूँगी। तो जूस और बस मैं ना यहीं पे बैठ के अभी खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ना घर के लिए निकलूँगी, अम्बी को स्कूल से पिक करूँगी। ऐसे ही आज सुबह से मैं उठी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उतना ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग उसके बाद कॉलेज से आने के बाद नहीं की। बट ये मेरा जो था ना पूरा मॉर्निंग से लेके कॉलेज से आने तक घर तक का रूटीन था, उसके आगे मैं कुछ शेयर नहीं की हूँ। तो उस ये वाले ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।